श्रीहरि विष्णु की पूजा उपासना से मन को शांति तो मिलती ही है, जीवन में आ रही खुशियों की बाधाएं भी मिट जाती हैं। श्रीहरि पूरे जगत के पालनहार हैं। कहते हैं नारायण के पूजन से गंभीर बीमारियों का जो अंत है वो भी तुरंत मिल जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन उनके पूजन और दर्शन से और एक महा उपाय से गंभीर बीमारियों को भी आप दूर भगा सकते हैं। समाज में वैभव दिलाती है पाप मोचनी एकादशी। धन संपन्नता और आरोग्यता का वरदान दिलाती है पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्या दूर हो जाती है। पाप कई प्रकार के होते हैं, मन से होते हैं, शरीर से होते हैं और वाणी से होते हैं। जो यह पाप हमारे होते हैं, इन समस्त पापों के समन के लिए यह व्रत उत्तम है, क्योंकि इसका नाम ही जो है पाप मोचन, पाप को समन करने वाले, जलाने वाली यह एकादशी है। इसलिए वर्ष भर में जितने भी हमने झूठ बोले, जितने अपराध किए, उनसे जो हमारे पाप उत्पन्न हुए शरीर में, जिससे हमारे जीवन में आगे बाधा आएगी, उन समस्त पापों का समन हो जाता है और व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप बीमारी और धन खर्च से परेशान हैं, तो पाप मोचनी एकादशी पर करें ये उपाय, जिससे आपकी हर मुश्किल हो जाएगी आसान। पाप मोचनी एकादशी पर शाम के समय एक चौकोर भोज पत्र लें, केसर में जल मिलाकर भगवान विष्णु के चरणों में रखें, अनार की कलम से भोज पत्र पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 3 बार लिखें, पीले पुष्प भगवान श्री हरि के चरणों में रखें और भोज पत्र उस पर रखें, गाय के घी का दीपक जलाएं और नारायण कवच का पाठ करें। अब ये भोजपत्र पीले फूलों के साथ अपने धन रखने के स्थान पर रखें। एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, तन मन और विचारों की शुद्धता भी आती है। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूर्ण मनोयोग से रखिए और श्री हरि की कृपा पा लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।